हेलो स्टूडेंट, आज हम रेखीय प्रसारण गुणांक अल्फा और क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक बीटा में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं कि अल्फा और बीटा में आपका संबंध क्या होता है, क्योंकि आपने जो है रेखीय प्रसारण गुणांक के बारे में पढ़ चुके हैं आप, और साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ जो है आपने आयतन प्रसारण गुणांक के बारे में भी आपने पढ़ा है। यानी रेखीय प्रसारण गुणांक को दर्शाते हैं अल्फा से आप, क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक को दर्शाते हैं किससे, बीटा से, और आयतन प्रसारण गुणांक को आप दर्शाते हैं किससे, गामा से। तो अल्फा, बीटा और गामा, और आपसे जब आप नेक्स्ट क्लास में बताया जा रहा था कि अल्फा, बीटा और गामा, तो आपको बताया ये गया था कि आपको अल्फा, बीटा, गामा में आपको संबंध स्थापित करना भी बताया जाएगा कि अल्फा बराबर हमारा होता क्या है, बीटा बराबर आपका क्या होता है, और अल्फा, बीटा और गामा में संबंध आपका क्या होता है। तो आज की क्लास में हम अल्फा और बीटा में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं कि अल्फा बराबर आपका क्या होगा, अल्फा जो है बीटा के कितने के बराबर आपका होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आपको वर्गाकार जो है पटल ले लेना। एक हमने वर्गाकार पटल ले लिया है, ये ए बी सी और क्या है डी, यानी एक वर्गाकार पटल हमने क्या ले लिया, ए बी सी डी दर्शा दिया हमने, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारी 1 मीटर है। क्या हमारी है, 1 मीटर आपकी है। तो आप जानो किसके बारे में संबंध, अल्फा और बीटा। अल्फा हमारा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, और बीटा हमारा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक और साथ साथ क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध क्या है। तो जब अल्फा बीटा में आपको संबंध निकालना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक वर्गाकार पटल आपको खींच लेना है, उसका नॉमिनेशन आप कर देना ए बी सी डी, या कोई आप और ले लेना एल एम एन ओ या पी क्यू आर एस ले लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता आप लेते क्या हो। तो जब वर्गाकार आपका है तो वर्गाकार मतलब आपका ये हुआ कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है, बराबर होगी आपकी। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, 1 मीटर ले लिया। क्या ले लिया है, 1 मीटर ले लिया। तो सबसे पहले देखिए, हमने इस थ्योरी पोर्शन में हमने कहा माना किसी वस्तु का एक वर्गाकार पटल ए बी सी डी, यानी कोई वस्तु है उसका वर्गाकार पटल हमारा क्या, ए बी सी डी है, और इसका जो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, 1 मीटर है। जो वर्गाकार हमारा है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आपकी होगी, बराबर ही आपकी होगी। तो हमने एक भुजा की लंबाई 1 मीटर ले लिया। तो जो वर्गाकार आप कह रहे हो तो मतलब ये कि चारों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने बराबर ले लिया, तो लिखा आपने कि इसका जो प्रारंभिक क्षेत्रफल होगा, तो बताओ जब आपने भुजा की लंबाई 1 मीटर लिया है, अगर उस वर्गाकार पटल का क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे, कहोगे भुजा स्क्वायर, भुजा का मान आपका 1 है, 1 के पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 वर्ग मीटर ही आपका मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रारंभिक क्षेत्रफल, जो इस वस्तु किसी वस्तु का वर्गाकार पटल आपका है, उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा, 1 वर्ग मीटर आपका होगा। और हम यहां मान लें कि पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। आपने क्या मान लिया कि जो पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक ने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। माना वर्गाकार पटल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाए। जो ये आपने वर्गाकार पटल लिया है ए बी सी डी, इसमें आप क्या कर रहे हो, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आप बढ़ोतरी करवा रहे हो। जब इसमें आप बढ़ाओगे टेम्परेचर, तब इस तब नए ताप पे आप आ जाएंगे, तब इस नए ताप पर पटल की प्रत्येक भुजा बराबर। जब टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ा दोगे, उसकी जो आपकी साइड्स है, जो भुजा की लंबाइयां, वो कुछ आपकी बढ़ जाएंगी, तो वो भुजा की लंबाई हमारी हो जाएगी 1 प्लस अल्फा मीटर हो जाएगा। जो आपने दिया, ये जो आप देखो डायरेक्ट से हम मिला रहे, जिसको टेम्परेचर आप बढ़ाओगे 1 डिग्री का, ये भुजा की लंबाई इसकी हो जाएगी 1 प्लस अल्फा मीटर। क्योंकि ये कैसा बढ़ेगा, वो एक रेखीय रूप में बढ़ेगा। जब रेखा एक रेखीय रूप में बढ़ेगा, तो आपने इसकी भुजा लंबाई 1, तो इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक आपने अल्फा लिया, तो 1 प्लस आपका अल्फा हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे कि जो पटल की प्रत्येक भुजा आपकी 1 प्लस अल्फा मीटर हो रही है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो। जब आपने 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया और दे दिया, इसके आपने देखा कि इसके एरिया में कुछ बढ़ोतरी आपकी हो गई, तो
तो प्रत्येक भुजा की जो लंबाइयां हमारी थी 1 प्लस आपका अल्फा हो गई। तो हम निकाल लेंगे पटल का क्षेत्रफल भरा होता आपका भुजा, इस पर भुजा का मान कितना है, नहीं आपके 1 प्लस अल्फा था, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर हुआ हमारा। अब पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि, अब कितना वृद्धि हुई वो निकाल लो आप। तो टोटल आप क्या करेंगे, टोटल जो इसका एरिया आ रहा है नया, ठीक है, उसमें से आप क्या करेंगे, पुराना वाला 1 वाला वो माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 हुआ। तो देख रहे हैं आप यहां 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर, 1 के ऊपर 2 करेंगे 1 ही आएगा, प्लस करके b स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab है 2 आपका अल्फा आएगा माइनस आपका 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, तो आपको 2 अल्फा मिलेगा। इतना समझ में, फिर से आप देख लीजिए इसको, आपको यहां अल्फा और बीटा में संबंध स्थापित करने हैं, कि जो हमारा अल्फा है और साथ ही साथ बीटा है इनमें संबंध हमारा क्या है, संबंध कैसे आप निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक वर्गाकार पटल आप एबीसीडी बना लोगे, तो हमने क्या किया, एक वर्गाकार पटल किसी वस्तु का एबीसीडी ले लिया, ए बी सी डी, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर हमने ले लिया, 1 मीटर ले लीजिए, इसी को आप पहले थ्योरी में आप लिखिए, माना किसी वस्तु का एक वर्गाकार पटल ए बी सी डी है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, तो जब 1 मीटर है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लिख देंगे इसका प्रारंभिक जो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 1 के पावर 2 बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 वर्ग मीटर आपको मिल जाएगा। लिखा हमने आपने इसका कि माना पदार्थ का जो रेखीय प्रसार गुणांक है, जो रेखा में उसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो हमने क्या लिया, अल्फा लिया, अल्फा ले लिया। माना वर्गाकार पटल के ताप में आप 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आप करवा रहे, जब टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ा दोगे तो आपका जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस आपकी अल्फा मीटर हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा मीटर हो गई। तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लो आप नए वाले का, तो लिख देंगे आप पटल की पता पटल का प्रत्येक भुजा का क्षेत्रफल बराबर 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो एक पहले वाले का जो आया था वो 1 आया और दूसरे वाले का क्या है, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर आया। अब टोटल कितना वृद्धि आपकी हुई, उस वृद्धि को भी आप निकालेंगे, पटल के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगा ये जो टोटल आपका 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर आया, उसमें से आप पहला वाला क्या कर देंगे वो माइनस कर देंगे, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका, होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 1 आपका उतर गया, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो बचा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ये पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है ये हमने ज्ञात किया, कब, जब टेम्परेचर आपने 1 डिग्री बढ़ाया, तो ये जो नया जो पहले क्षेत्रफल था उससे बढ़ोतरी उसमें ज्यादा हो गई, तो टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई 1 डिग्री बढ़ाने पर, ये हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा मिल गया। अब चूंकि जो आपका अल्फा है, अल्फा हमारा क्या है, ये रेखीय प्रसार गुणांक है, अल्फा हमारा क्या है, रेखीय प्रसार आपका गुणांक है जिसका मान 1 से बहुत कम होता, जो अल्फा है अल्फा का मान क्या आपका 1 से बहुत कम है, जब अल्फा का मान 1 से बहुत कम है, अब ये बताओ जो अल्फा का वर्ग कर दोगे, अल्फा स्क्वायर कर दोगे, ये और भी कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये और भी आपका कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ जब और कम हो जाएगा इसको हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, नगण्य मतलब ना के बराबर मान सकते हैं आप इसे, आप क्या करिए ना के बराबर आप मान लीजिए, तो ये अल्फा स्क्वायर आप छोड़ देंगे, जब नगण्य मानेंगे मतलब इसको आप छोड़ दीजिए, आप हम उसे छोड़ देंगे वहां पर, ठीक है, तो वहां पर छोड़ दिया, अतः जब छोड़ दोगे आप इसे तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 2 अल्फा ही तो बचेगा आपका, लिख देंगे अतः पटल के क्षेत्रफल में जो वृद्धि हमारी होगी वो कितनी होगी, 2 अल्फा होगी, कितनी होगी, 2 अल्फा आपकी हो जाएगी, तो बराबर अतः पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर कितना हो गया हमारा, 2 अल्फा हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं क्या है, बीटा आपको अल्फा बीटा में संबंध निकालना है,
तो आपने दूर दो अल्फा निकाल लिया, क्योंकि हम जानते क्या है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणा, रेखीय प्रसार गुणा एक दूसरा आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणा, क्षेत्रीय प्रसार गुणा बराबर यानी बीटा बराबर आपका होता है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि हो जाएगी। तो बीटा बराबर आपका क्षेत्रफल में वृद्धि कितना बताइए आपकी हो रही है दो अल्फा हो रही है, दो अल्फा करिए बटे करके प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका एक है और ताप में वृद्धि भी आपकी एक है। तो जब मान रखेंगे तो बीटा बराबर क्या मिल गया आपको दो अल्फा मिल गया। अगर पूछा जाए कि बीटा और अल्फा में आप संबंध बताइए कि बीटा बराबर कितने अल्फा के होता है, तो हम कह देंगे बीटा बराबर क्या होता है दो अल्फा हो जाएगा। ठीक, यह आपका क्या हुआ कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में हमने संबंध निकाल लिया। रेखीय प्रसार गुणांक मतलब अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब क्या होता है बीटा, यानी अल्फा और बीटा में संबंध आपने स्थापित किया कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है वो बराबर किसके हो जाएगा टू टाइम्स किसके हो जाएगा हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, यानी बीटा किसका होगा रेखीय प्रसार गुणांक यानी आपके अल्फा का कितना होगा दुगुना हो जाएगा बीटा बराबर दो अल्फा के। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये अक्सर आपके जो है दो नंबर में आपका पूछ लिया जाता है कि अल्फा बीटा में संबंध स्थापित कीजिए, या कह देगा कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध आप निकालो बीटा बराबर दो अल्फा, इसका निगमन करिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना आप एक आप वर्गाकार पटल ए बी सी डी खींच लेना, क्या करना एक वर्गाकार आप जो है पटल आपका ए बी सी डी ले लेंगे आप। इसके बाद डैश डैश करके इसके चारों तरफ क्या करना आप इसे डैश मिला लेना, ए के सामने वाला ए डैश, इसके सामने बी वाले के बी डैश, और सी वाले के सामने जो आपका कॉर्नर है वो सी डैश, जो डी आपके कॉर्नर के सामने है वो आपका डी डैश हमारा है। इतना करने के बाद इसकी प्रत्येक भुजा हमारी एक मीटर है, इसके बाद हमने इसको दर्शा दिया कि जब टेम्परेचर आप एक डिग्री बढ़ा दोगे तो ये भुजा हमारी हो जाएगी कितनी वन प्लस आपकी अल्फा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी वन प्लस अल्फा हो जाएगी। आप इसी को आपको पहले क्या करना थ्योरी पोर्शन में आपको लिख देना, जो आपने बनाया फिगर उसी को अपनी लैंग्वेज में आपको लिख देने हैं। आप लिखेंगे कि माना वर्ग माना किसी वस्तु का, माना किसी वस्तु का एक वर्गाकार पटल ए बी सी डी है, मान लीजिए माना किसी वस्तु का एक वर्गाकार पटल आपका ए बी सी डी है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है एक मीटर, कितना हमने लिया एक मीटर लिया एक मीटर, इसका जो प्रारंभिक क्षेत्रफल होगा वो तो कितना हो जाएगा एक वर्ग मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक वर्ग मीटर हो जाएगा। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान जब एक हमारा है एक मीटर है तो एक मीटर के पावर दो बराबर क्या हो जाएगा एक वर्ग मीटर आपका हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो वर्गाकार पटल हमारी ए बी सी डी है इसमें आपने टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, क्या कर दिया आपने एक डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो इस जो भुजा की लंबाइयां हैं वो कितनी हो जाएंगी आपकी वन प्लस अल्फा हो जाएंगी, क्योंकि इसके में लंबाई में बढ़ोतरी होगी, इसमें किसमें बढ़ोतरी होगी लंबाई में बढ़ोतरी आपकी होगी, जब लंबाई में बढ़ोतरी होगी वो क्या हो जाएगी वन आपकी वन प्लस आपकी अल्फा वन मीटर हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे अब इसका क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है, जो बढ़ा हुआ आपका एरिया है उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग का, तो आप लिख देंगे अतः पटल की प्रत्येक भुजा बराबर अल्फा मीटर आपकी है, तो लिख देंगे अतः पटल का क्षेत्रफल बराबर वन प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी हो जाएगा वन प्लस अल्फा का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा वन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे आप पटल के क्षेत्रफल में आपको वृद्धि निकालना, आपने क्या कितना बढ़ोतरी उसमें हुई वो निकाल लो आप, तो पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर वन प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस आपका वन हो जाएगा। अब मान रख लीजिए आप इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आपका माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कट जाएगा बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा आपका अल्फा बच जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अल्फा का मान एक से बहुत कम है, कितना है एक से बहुत कम आपका होता है, रेखीय जो प्रसार गुणांक है उसका मान एक से बहुत कम होता है। जब बताओ अगर सपोज करिए कि आप अल्फा का मान, अगर हम अल्फा का मान क्या ले लें अल्फा का मान 0.1 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 0.1 ले लीजिए, और हम क्या करें इसका अगर इसी को अल्फा स्क्वायर निकालना मतलब 0.1 के पावर 2
जीरो पॉइंट जीरो इंटू जीरो नहीं हो जाएगा 0.0001। बताया अब ये बड़ा कि ये बड़ा आपका, तो देखेंगे ये आपका बड़ा है ये काफी उससे छोटा है, तो लिखेंगे चूंकि जो हमारा अल्फा है अल्फा का मान 1 से क्या है कम है, क्या है कम है बहुत कम है, तो यहाँ जो अल्फा स्क्वायर होगा ये और कम हो जाएगा 1 से, नहीं बहुत कम आपका हो जाएगा, तो उसी को आपने लिखा कि अतः अल्फा का मान 1 से बहुत कम है, इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर का मान आपका और भी कम हो जाएगा, जब और भी कम हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा तब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर को क्या कर लेंगे आप नगण्य मान लेंगे, क्या करेंगे नगण्य मान लेंगे ना के बराबर आप मान लेंगे, तो हमने वहां ना के बराबर मान लिया, तो ये क्षेत्रफल जब अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा था ये ना के बराबर, इन छोड़ दो इसे आप क्या करिए छोड़ दीजिए आप, जब इसको आप छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा हमें केवल टू अल्फा ही तो मिलेगा, क्या मिलेगा टू अल्फा मिलेगा, अतः पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हमारी क्या हो जाएगी टू अल्फा हो जाएगी, क्या हो जाएगी टू अल्फा हो जाएगी। जब दो अल्फा हमारा हो गया यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला हमारा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का बीटा बराबर हमारा क्या होता है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि, ठीक है अब मान लो क्षेत्रफल वृद्धि कितना दो अल्फा है, दो अल्फा प्रारंभिक क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल आप कितना बढ़ा कितना था आपका वो आपका एक था, और ताप वृद्धि बताइए कितना थी हमारी आपने एक ही डिग्री तो बढ़ाया है एक रख देंगे वहां पर, तो ये एक गुणे एक यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा दो अल्फा मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध निकाल सकते हैं। निकाला आपने क्या संबंध आए दोनों में, दोनों का संबंध आपका ये रहा कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होता है दुगुना होता है, यानी बीटा बराबर हमारा दो अल्फा हो जाएगा, ये आपके रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित हो गया। सबसे पहले क्या एक बार फिर देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको एक वर्गाकार आपको पटल लेना, इसका नॉमिनेशन कर देंगे ए बी सी डी, उसके बाद इसके चारों तरफ आप डैश डैश करके जो है आप चार भुजाओं से एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक वर्ग का पटल और बनाएंगे आप, ठीक है। तो जो आपका पहला वाला ए बी सी डी था उसकी प्रत्येक भुजा हमारी 1 मीटर है, तो चारों भुजाएं आपकी 1 मीटर की हो जाएंगी, हमने क्या किया डैश डैश करके चारों तरफ खींचा हमने, तो यहाँ पर आप क्या करोगे जब टेम्परेचर में आप बढ़ोतरी करोगे तो इसके क्षेत्रफल में आपकी वृद्धि होगी, वो आपकी जो रेखीय वृद्धि हमारी हमने क्या लिया उसको अल्फा लिया है, तो बताओ जब ये एक था और बढ़ोतरी हमारी अल्फा हुई तो हो जाएगी 1 प्लस अल्फा, यानी नए जो पटल हमारा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश है उसका आपकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाइयां हो जाएंगी हमारी 1 प्लस अल्फा मीटर के बराबर हो जाएंगी। इसी को पहले क्या करना है आपको थ्योरी में आपको लिख देना है कि माना एक वर्गाकार पटल, माना किसी वस्तु का एक वर्ग का पटल आपका ए बी सी डी जिसकी प्रत्येक भुजा कितने मीटर की है 1 मीटर आपकी लंबी है, 1 मीटर लंबी है, और इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक हमारा क्या है वो आपका अल्फा है, अगर तो बताओ जब आपने अल्फा ले लिया और उसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर की आपकी हो गई तो लेते हैं कि अतः पटल का जो प्रारंभिक क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 1 है 1 के पावर 2 करेंगे आप 1 वर्ग मीटर के बराबर आपका मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे क्योंकि अब वर्गाकार पटल ए बी सी डी में हम क्या कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बढ़ोतरी कर रहे हैं, जब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आप करोगे इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो हो जाएगी 1 प्लस अल्फा मीटर के बराबर हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे नए पटल का जो आपका क्षेत्रफल वो निकाल लो आप, ले देंगे नए पटल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला आप लगा लो आप या रहने दो फिलहाल अभी आप, अब क्या करिए क्षेत्रफल में आप वृद्धि निकाल लो कि टोटल आपके क्षेत्रफल में आपकी बढ़ोतरी हुई कितनी है आपकी, तो आपने लिख दिया कि क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर आपका 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि टोटल आपने जो पढ़ी है 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और पहली वाली कितनी हमारी थी आप 1 थी, तो 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 ये फार्मूला हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 1 कट गया आपका, अल्फा का प्लस 2 अल्फा आपका हो गया। आपको क्या करना है इसके बाद, चूंकि हम क्या जानते हैं कि जो रेखीय प्रसार गुणांक आपका अल्फा होता है उसका मान 1 से बहुत कम होता है, जब उसका मान 1 से बहुत कम होगा तो अल्फा स्क्वायर का मान और भी कम हो जाएगा,
तो अल्फा स्क्वायर इज लेस देन वन, यानी बहुत कम आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर को आप नगण्य मान सकते हैं, यानी वो ना के बराबर है। जब ना के बराबर हो गया तो आपको क्या करना, उसको छोड़ दे, उसको क्या करिए आप छोड़ दीजिए। अल्फा स्क्वायर का मान आपका बहुत कम है एक से, अतः अल्फा स्क्वायर को नगण्य मानने पर, जब नगण्य मान लोगे आप, ना के बराबर मान लोगे, तो अतः हो जाएगा, तो ये छूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आपका। अतः पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर कितने की हो गया हमारे, टू अल्फा के बराबर हो गया। किसके बराबर, टू अल्फा के बराबर हो गया, ले देंगे। अतः क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हमारा यानी बीटा है, वो बराबर किसके होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणिताप वृद्धि, सब लिखवाया गया। ये सब आपको बताया भी गया है कि अल्फा बराबर आपका क्या होता है, वहां अल्फा होता तो प्रारंभिक आप लंबाई बटे लेते हो आप वहां पर, ठीक है, एल लेते हैं आप। जब आप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करो तो बीटा बराबर आप लेते हो वहां पर। उसके बाद जब आयतन प्रसार गुणांक की बात करते हैं आप, वहां पर क्या लेते हैं आप, गामा के आप गामा लेते हो आप। तो जब हमारा बीटा ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर हमारा होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणिताप वृद्धि, सब मान लग दो आप, तो यहाँ पे बीटा बराबर क्षेत्रफल दो अल्फा, प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका एक हो जाए, बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणिताप वृद्धि हो जाएगा। तो बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि वाला मान दो अल्फा है, दो अल्फा रख दो, प्रारंभिक क्षेत्रफल एक है, ताप वृद्धि आपकी एक है, ये दोनों एक एक नीचे छूट जाएगा आपका। तो बीटा बराबर क्या मिल गया, दो अल्फा के बराबर मिल गया। यानी मतलब ये हुआ आपका कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक के दोगुने के बराबर आपका होता है। पूछा जाए कि अल्फा बीटा में संबंध बताइए, कहते हैं बीटा बराबर दो अल्फा, बीटा बराबर दो अल्फा। अगर आपको शब्दों में कह दे रहा, कह देंगे जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हमारा है वो रेखीय प्रसार गुणांक के दोगुने के बराबर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप जो है आप जानेंगे कि अल्फा और गामा, यानी जो रेखीय प्रसार गुणांक हमारा है और आयतन प्रसार गुणांक है, उसमें संबंध आप जानेंगे। और उसके उसके नेक्स्ट आपका टॉपिक आपको मिलेगा कि अल्फा बीटा और गामा में टोटल तीनों में आपका संबंध क्या होता है, वो जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।